वन ओवर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशेंट वन है तो यहाँ पे भी हम एक्स स्केयर का कोफिशेंट वन बनाएंगे। इंटीग्रेशन वन ओवर रूट नाइन माइनस 25 एक्स स्केयर डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्केयर के आगे 25 है तो यहाँ पे हम 25 से मल्टीप्लाई और 25 से ही डिवाइड। इंटीग्रेशन वन ओवर रूट यहाँ पे हम अब 25 कॉमन निकालेंगे 25। अब यहाँ से 25 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 9 ओवर 25 माइनस 25 यहाँ से कॉमन निकाल लिया यहाँ पे बचेगा एक्स स्केयर डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 ओवर 25 को जब रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये आएगा 5 रूट 9 ओवर 25 को हम लिख सकते हैं 3 ओवर 5 होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। 1 ओवर 5 इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट 3 ओवर 5 होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 3 ओवर 5 है तो इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट तो ये आएगा 1 ओवर 5 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए तो ए की वैल्यू 3 ओवर 5 है 3 ओवर 5 प्लस कॉन्स्टेंट 1 ओवर 5 साइन इनवर्स एक्स ओवर 3 ये वाला 5 एक्स के साथ आएगा 5 एक्स ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट। वन ओवर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन अब यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशेंट वन है तो अब हम यहाँ पे भी एक्स स्केयर कोफिशेंट वन बनाएंगे। वन ओवर रूट 16 एक्स स्केयर प्लस 25 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर के साथ 16 है तो यहाँ पे भी हम 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड। इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट यहाँ से हम 16 कॉमन निकाल लेंगे 16 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्केयर प्लस ये वाला 16 कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 25 ओवर 16 डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट 16 को जब रूट में से बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 एक्स स्केयर प्लस 25 ओवर 16 को हम लिख सकते हैं 5 ओवर 4 होल स्केयर डी एक्स। 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट एक्स स्केयर प्लस 5 ओवर 4 स्केयर डी एक्स। 1 ओवर 4 यहाँ पे ए की वैल्यू 5 ओवर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग एक्स प्लस रूट ए की वैल्यू 5 ओवर 4 स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट। 1 ओवर 4 लॉग एक्स प्लस रूट स्केयर करेंगे 5 का स्केयर 25 ओवर 16 प्लस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट। 1 ओवर 4 लॉग एक्स प्लस रूट एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा 16 तो यहाँ पे आएगा 25 प्लस 16 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया 16 एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट। 1 ओवर 4 लॉग
एक्स प्लस रूट 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। जब 16 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये आएगा 4 प्लस सी 1/4 लॉग। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस रूट 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। वन ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है तो यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बनाएंगे। इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड। इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाला 4 बाहर निकाल लिया कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 9/4 डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 ओवर 4 को जब रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये 2 आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर डी एक्स। 1/2 अब यहाँ पे a की वैल्यू 3/2 है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो a की वैल्यू 3/2 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9/4 प्लस सी। 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 9, 4 को जब रूट में से बाहर लेके आएंगे तो ये आएगा 2 प्लस सी। 1/2 लॉग 2 एलसीएम, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। लॉग m ओवर n की प्रॉपर्टी होती है लॉग m माइनस लॉग n। अब ये वाला सारा m है और ये वाला सारा n तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस लॉग 2 प्लस कांस्टेंट। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1/2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1/2 को लॉग 2 से। 1/2 लॉग 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1/2 लॉग 2 प्लस सी। 1/2 लॉग 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1/2 लॉग 2, ये भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट 1 सी 1। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स।
इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसमें हम माइनस 1 करेंगे और प्लस 1। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 माइनस 1, एक बार x स्क्वायर प्लस 1 x रेज टू पावर 4 माइनस 1 के नीचे लिखेंगे और एक बार 1 के नीचे, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर डी एक्स। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू 1। तो ये बनेगा a प्लस बी है तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर a टैन इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर 3 ओवर 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर a, तो 1 ओवर a की वैल्यू 1 है, टैन इनवर्स x ओवर a, a की वैल्यू 1 प्लस c, x क्यूब ओवर 3 माइनस x प्लस टैन इनवर्स x प्लस सी।